नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। दोस्तों, पिछले हफ्ते एक के बाद एक कई सारे बड़े इवेंट बुल्स के फेवर में आते गए और इसी वजह से बुल्स के लिए ये मार्केट को एक रिस्पेक्टेड लेवल्स पे लाने के लिए काफ़ी आसान हो गया और हमने मार्केट को 17,300 के लेवल्स के करीब क्लोज होते हुए देखा। मार्केट के अगर आप वीकली गेंस देखते हो तो वो काफ़ी शानदार थे। मंथली गेंस अगर देखेंगे तो वो 1500 पॉइंट्स के करीब के हैं और अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पे जो मोमेंटम बना है वो भी काफ़ी शानदार है और तकरीबन हमने वहाँ पे भी लगभग 5000 पॉइंट्स की रैली देखी है। 17,300 के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए बनता है तो वो है 17,450 का, यानी 17,450, और उसके बाद 17,600 के लेवल्स ये मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है। 17,300 पे मार्केट के लिए 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है जिसे आज मार्केट गैप से ही क्रॉस कर लेगा क्योंकि सिंगापुर निफ्टी अभी ऊपरी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और वर्ल्ड मार्केट्स के अगर आप क्यूज देखते हो, जैसे कि यूएस मार्केट्स जहाँ पे हमने एक शानदार रैली देखी और एशियन मार्केट्स में हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी थी पिछले हफ्ते, इसी वजह से सिंगापुर निफ्टी है वो तकरीबन 100 से 125 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और हमारे मार्केट्स के लिए भी एक अच्छी ओपनिंग देख सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते हमें लगता है कि इन द एब्सेंस ऑफ मेजर इवेंट्स, जैसे कि पिछले हफ्ते बड़े बड़े इवेंट्स थे और उसके पॉजिटिव अनफोल्ड होने के बाद मार्केट में रैली देखी, इस हफ्ते में वो ट्रेंड आना मुश्किल है क्योंकि कोई बड़े इवेंट्स अभी नियर टर्म में मार्केट के लिए नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप क्रूड की बात करें तो वापस ये $100 के जो करीब ट्रेड कर रहा था वो $110 के करीब आ चुका है और जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे भी हमने कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी है। ऑलमोस्ट 98-98.50 के करीब ही ये ट्रेड कर रहा है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट एक ऊपरी लेवल्स पे अटकते हुए नज़र आ सकता है। हमारी स्ट्रेटजी 17,500-17,600 के रेंज के करीब कुछ पोजीशंस को कम करने की रहेगी और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने मिले, जैसे कि मार्केट अगर वापस एक बार 17,200 या 17,150 के लेवल्स के करीब आता है और वहाँ पे अगर कोई भी रिवर्सल फॉर्मेशन बनाता है तो बिल्कुल उसे बाइंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे हम एक बाय की ऑप्शन या बाय का ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि मार्केट 17,000 यानी कि 17,000 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आएगा, लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट अगर 17,000 के नीचे बंद अगर आता है तो फिर हम एक बार वापस 16,800 के लेवल्स देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने बढ़िया तेज़ी देखी है और वहाँ पे भी हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। इनफैक्ट बैंक स्टॉक्स काफ़ी अच्छे प्लेस्ड है फंडामेंटली और आने वाले दिनों में भी हमें लगता है कि यहाँ पे हमें और भी अच्छी एक कॉन्ट्रा बैंक देखने मिलेगी अगर कोई भी मार्केट में अगर करेक्शन अगर आता है तो। 36,650 के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो वो 37,200 का है, वहाँ पे हमें लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार थोड़ा वक्त गुजार सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो हमें लगता है कि हमें जो फोकस करना है वो मेटल्स के ऊपर करना है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ऊपर करना है और साथ ही साथ ऑटो कंपनीज पर भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा अगर किसी और सेक्टर पर हमें अगर विशेष करके अगर ध्यान रखना है तो हमें लगता है कि फिर रिफाइनरी सेक्टर पे ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पे जो न्यूज़ फ्लो है वो लगभग काफ़ी पॉजिटिव है और इसी वजह से हमें लगता है कि इस मार्केट में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें और जो ऊपरी लेवल्स हम देखेंगे वहाँ पे हमें लगता है कि एक बार आप वीक लॉन्ग पोजिशंस को कम करें या तो वहाँ पर आप एक बार मुनाफा वसूल सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। थैंक यू।